नमस्कार दोस्तों, आज जो हम वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं, कोरोना काल का जो संक्रमण चल रहा है, इस संक्रमण के नियंत्रण की रोकथाम के मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने ई मित्र आधार केंद्र और बैंकों को खोलने के लिए निर्धारित समय कर दिया गया है। ये जो निर्धारित समय किया गया है, इसके लिए कंप्लीट गाइडलाइन जारी कर दी गई है। राजस्थान सरकार गृह विभाग ग्रुप 7 ने इसके रिगार्डिंग जो आदेश जारी किए हैं, 34 को बिंदु संख्या 30 के अंतर्गत भी इसको खोलने से संबंधित पूरे विस्तृत आदेश जारी कर दिए जा चुके थे। इस संबंध में जिस प्रकार बैंकों को 2 बजे तक की अनुमत किया गया है, उक्त उसी प्रकार से ई मित्र कियोस्क को भी, आधार सेंटर, सीएलसी सेंटर, इन सभी को भी 2 बजे तक, यानी 8 बजे से 2 बजे तक अनुमत हैं। इसके रिगार्डिंग अगर अपन गाइडलाइन देखते हैं तो विस्तृत गाइडलाइन आई है, 1 करोड़ राज्य सरकार ने भी निकाली है, और केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन आई है गृह मंत्रालय से, उसमें जो सेकंड पैरा है, सेकंड पैरा में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि दी मित्र कियोस्क आधार सेंटर आर अलाउड टू द ओपन फ्रॉम 8 AM to 10 PM मंडे टू सैटरडे ड्यूरिंग द जन अनुशासन पखवाड़ा लॉकडाउन। हाउएवर Those centers are not allowed due to any other activity excepted to permitted to these centers. जो कोविन से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण है, चिरंजीवी योजना और उससे रिलेटेड जो सेवाएं, अभी काफ़ी सेवाएं को बंद कर दिया जा चुका है, मुख्य रूप से जो सेवाएं चालू हो रही हैं उन्हीं सेवाओं का कोविन गाइडलाइन का स्ट्रिक्टली पालना करते हुए आपको इसे ओपन करना है। ये जो आदेश है, इस आदेश के अंतर्गत इन बिल्ड आपको बता दिया जा चुका है कि 8 बजे से 2 बजे तक, सोमवार से शनिवार तक, एक बार फिर आप समझ लें, 8 बजे से 2 बजे तक, सोमवार से शनिवार तक जन संसाधन पखवाड़ा या लॉकडाउन चलेगा। तब तक आपको आपके ई मित्र सेंटर इसी टाइम पे खोलने हैं। आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो तो ये ऑर्डर संख्या वगैरह इसमें दी हुई है, अगर आपके यहाँ पुलिस वाले परेशान करें आपको तो आप इसे बता सकते हैं। फिर भी आप अपने LSP और ज़िले से संबंधित कर्मचारियों के संपर्क में रहें, वो हर ज़िले की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया अलग अलग, उस विशेष अगर उस ज़िले में ज़्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं तो उस कंडीशन में चेंज कर दी गई है। तो मेरा आपसे इसमें अनुरोध है कि आप अपने LSP के संपर्क में रहें और उनसे दिए गए गाइडलाइन के अनुसार पालना करें। धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।